आज आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन हम लोग के लिए नहीं, सभी भारतवर्ष के जितने भी सारे जन हैं, ये एक पर्व तरीके का है, क्योंकि हमारे भारत में इतना अलग अलग प्रकार के त्यौहार हैं, व्यंजन हैं, तो उसमें से ये भी एक स्वरूप है, जिसमें हम लोग आज ये जगह सर के द्वारा जो कार्यक्रम स्थापित किया गया है 2 दिन का, तो ये सारे लोग हम लोग के साथ साथ जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, बाहर से भी आए हैं, कुछ किसी ने अपना प्रदर्शनी रखा है, कुछ अपने खाने के स्टॉल्स लेकर आए हैं, तो ये सारे लोगों को यहाँ पर में एकजुट होना और इस पर्व को साथ में मनाना, तो मैंने भी यही सोचा कि सर ने, बाबा ने, गुरु जी ने यहाँ पे इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग भी देख लें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और देखा जाए कि क्या माहौल है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, तो इसी सहारे हम लोग भी आ गए कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो सब लोगों को एक्साइट कर रही है और हम लोग भी थोड़ा सा। अच्छा लगा अभी तक तो एक ही स्टॉल घूम करके आए हैं, अभी जा रहे हैं, तब थक गए करते करते, अब बस यही चीज़ें देख रहे हैं कि देखिए अभी तो करना बहुत बाकी है, ये तो अभी हम लोगों का दूसरा साल है, इस चीज़ को जो एक छोटी सी सोच सर ने रखी है कि जहाँ से आप सिर्फ झारखंड से नहीं, बाहर से भी हमारे जितने भी भारतवर्ष में जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं और जुड़े, उनकी अपनी जितनी भी क्षमताएं हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में वो प्रांगत है, चाहे खाने पीने, कपड़े, घूमने, नाच गाना, जो भी प्रतिभा हो, वो सब एक जगह में हम लोग देखें और देखने का मौका मिले झारखंड वासियों को, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आप लोग भी इस चीज़ का आनंद उठाइए और एंजॉय करिए और मज़ा लीजिए और मेमोरी ज़रूर बनाइए। मैम, यहाँ पे लजीज व्यंजन भी है जी, जिसका आप लुत्फ भी उठाएंगे, और सीएम को क्या पसंद है खाने में खास, क्योंकि आप ही देखिए। नहीं नहीं देखिए, एकदम पूरे झारखंडी हैं और एकदम आदिवासी, अब समझ सकते हैं हम लोग क्या पसंद करेंगे, तो जो भी अभी सीजनल है, जैसे आप लोग भी खा रहे हैं, रुगड़ा खा रहे हैं, कुकरी खा रहे हैं, अभी का जो ऑन सीज़न है, सीज़न अभी यही चल रहा है, तो आपके घर में जो पकता है हम लोग के घर में भी वही पकता है, तो आप लोग जैसे मज़ा ले रहे हैं वैसे हम लोग कुछ स्पेशल नहीं खाते हैं, तो एकदम सिंपल खाना और सादा, और यही सर एकदम सीधा खाने वाले हैं, सीधा सादा खाने जी 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 किस तरीके से तैयारी कर रही हैं? कोई खास तैयारी नहीं है, आज सिंपल है, कल ये कार्यक्रम है और माँ बाबा का आशीर्वाद भी लेना है, उनके पास में भी जाना है, बहुत सरल सर, वैसे नहीं है कि बहुत कुछ वैसा करना, ये कार्यक्रम अपने में सर के लिए एक जन्मदिन का उपहार है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आप लोग आइए, बाकी लोगों को भी बताइए, इस कार्यक्रम को जितना बढ़ाइएगा, ये सिर्फ हमारे झारखंड के लिए नहीं, हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हर एक त्यौहार हम लोग कैसे एक जगह में मनाते हैं और किस तरीके से मनाते हैं, इसका इससे बढ़िया उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।